एक्चुअली मुझे स्विमिंग करने का मन कर रहा है लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये कैमरा है मेरे पास और ये बैग भी मैंने यहीं पे रखी हुई, इसमें मेरी बैटरी है, चार्जर है इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं इस तरह से रख के नहीं जा सकता। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ये ऊपर, ये एक्चुअली ताज होटल है। ओके, फाइव स्टार होटल ताज, गोवा की जो ताज है वो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ ऊपर, ये वो है। इस वक्त मैं हूँ गोवा की सबसे फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है सी फूड जंक्शन, आप देख सकते हो। आप ये जो प्रॉन्स है उसकी साइज देखिए, जो फ्राइड प्रॉन्स है उसकी साइज देखिए आप, ये उसकी साइज है। खाने के साथ मैंने मंगवाया है एक मॉकटेल जिसका नाम है वेडिंग नाइट, मैं आपको दिखा दूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल डायरी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अख्तर। इस वक्त मैं हूं गोवा में और आप गोवा आते हो और अगर आपने यहां पे सी फूड नहीं ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो इस वक्त मैं हूं गोवा की सबसे फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है सी फूड जंक्शन, आप देख सकते हो। तो मैं आया हूँ सी फूड जंक्शन में और एक्चुअली रेस्टोरेंट की मैं बात करूँ, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी है और एकदम क्लीन है। और उसके बाद इस वक्त 4 बजे है तो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग पब्लिक के लिए ये रेस्टोरेंट जो है, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है रेस्टोरेंट का, जो फर्स्ट फ्लोर है इस वक्त हम लोग 4 बजे ओपन नहीं, कि 4 से 7 बजे के टाइम पे ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये रेस्टोरेंट का वो बंद रहता है। लेकिन आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए हम ओपन कर देते हैं और नीचे जो है वहाँ पर आप बैठ सकते हो, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आप बैठ सकते हो लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर आप नहीं बैठ सकते। लेकिन उन्होंने बोला कि आप ब्लॉगर हो तो हम आपको स्पेस देंगे, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, अपना ब्लॉग कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सी फूड जंक्शन। तो चलिए सबसे पहले मेनू देखते हैं कि मेनू में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, खास करके सी फूड स्पेशल है ये लोग, यहाँ पे दूसरी सब चीज़ें ही मिलती है, जैसे कि चिकन है, चिकन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और फिर साउथ इंडियन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वेजिटेबल ऑप्शंस है या बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। लेकिन इनकी बनाने की जो स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है और सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंटर होते हो तो वहाँ पे बहुत सारे सी फूड जो है वो डिस्प्ले में ही रखे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप जो बोलोगे वो आपको उस तरह से, वो स्टाइल में आपको ये लोग बना के देंगे। तो मुझे रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेनू बता दूं, यहाँ पे आपको प्रॉन्स है, मैकरेल फिश है, क्रैब है, उसके बाद किंग फिश है, उसके बाद पॉम्फ्रेट है, स्क्विड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर चीज़ जैसे कि प्रॉन्स है उसके बनाने की जो स्टाइल है, चिली में है, बटर फ्राई है, गोल्डन फ्राई है, मसाला फ्राई है, रवा फ्राई है और बटर गार्लिक फ्राई है। जिस तरह से सी फूड जो लोग खाते हैं उनको पता ही होता है कि सी फूड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, लेकिन फिर भी सही रेस्टोरेंट में जाना और वहाँ पे जाके वहाँ का जो स्पेशल जो खाना है वो ऑर्डर करना, ओके, ये एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हूँ ये इनकी स्पेशलिटी है, सी फूड इनकी स्पेशलिटी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे सब चीज़ मिलता है लेकिन ये सी फूड जो है ये इनकी स्पेशलिटी है।
सबसे पहले मैंने जो गोवन थाली खाई थी और उसके बाद फिर जब मैं मेरी होटल गया तो वहाँ पे रिसेप्शन पे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको इससे ज़्यादा और इससे अच्छी अगर थाली खानी है तो भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको फिर पंजिम जाना पड़ेगा। एक्चुअली पंजिम में अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि शायद मैं कल पंजिम जाऊँ और वहाँ पे भी मैं ये जो थाली है, किसी ने मुझे बताया था कि वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, ओके वो मैं जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो वहाँ की जो ये रेस्टोरेंट है, ओके जो फिश थाली की, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओके पूरे गोवा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओके लोग दूर दूर से आते हैं, लाइन लगती है बॉस। तो आपको वहाँ जाना चाहिए, एक बार वहाँ की जो थाली है वो ट्राई करनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे कैलंगट बागा पे कहीं नहीं मिलेगी। ओके अगर मिल भी जाएगी अच्छा टेस्ट होगा ओके, लेकिन जो फेमस है ओके उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि गुजराती थाली, अगर आप गुजरात से हैं तो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि उसमें अगर आप गुजराती थाली लेते हो तो उसमें कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती। ठीक उसी तरह गोवन फूड जो होता है, यहाँ पे फिश थाली जो होती है यहाँ की, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके वो दिन मैंने जो थाली खाई थी वो अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन उसमें ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे, तीन चार चीज़ थी। तो लेकिन वहाँ की वो मोरजिम बीच की काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल अगर आपको खाना है तो आपको पंजिम जाना पड़ेगा। तो पंजिम जाने वाला हुआ, मैं ट्राई करूँगा वो रेस्टोरेंट में खाने की। तो गाइस मेरा जो खाना है वो आ चुका है, तो चलिए ट्राई करते खा के देखते खाने में कैसा है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा प्रॉन्स, प्रॉन्स खाने में कैसा है। जैसे आप ये जो प्रॉन्स है उसकी साइज़ देखिए, जो फ्राइड प्रॉन्स है उसकी साइज़ देखिए आप, ये उसकी साइज़ है, इसको वाओ, बाहर से एकदम क्रिस्पी है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वाओ वेरी नाइस, सीरियसली ये जो रवा होता है, रवा उसमें ये फ्राई किया हुआ है और टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ फिश करी, चलिए देखते हैं ये खाने में कैसी है। ओके वाओ, इसका जो टेस्ट है वो कोकोनट, फ्रेश कोकोनट जो होता है उससे बनाया हुआ है और थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन यार कमाल है यार इसका टेस्ट तो वाओ। इसमें ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा डाली है इसमें, और सच में कमाल का टेस्ट दिया रियली। और खाने के साथ मैंने मंगवाया है एक मॉकटेल जिसका नाम है वेडिंग नाइट, मैं आपको दिखा दूँ, यह नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेडिंग नाइट आप देख सकते हो। तो इस वजह से मुझे करके वाओ टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो भाई खाना तो कमाल का है यहाँ का, तो आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, इट्स अमेजिंग। ये जो बीच है इसका नाम है कंडोलिम बीच, और आप जब भी गोवा आते हो तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलिए। और एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा फोर्ट अगोड़ा है वो यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो आप ये दो चीज़ साथ में ले सकते हो, आप फोर्ट अगोड़ा साथ में ले सकते हो और कंडोलिम बीच जो है वो आप साथ में ले सकते हो। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ये ऊपर, ये एक्चुअली ताज होटल है, ओके फाइव स्टार होटल ताज, गोवा की जो ताज है वो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ ऊपर, ये वो है। एक्चुअली मुझे स्विमिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये कैमरा है मेरे पास और ये बैग भी मैंने यहीं पे रखी हुई है, इसमें मेरी बैटरी है, चार्जर है इसमें, और
बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं इस तरह से रख के नहीं जा सकता। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए जाता। एक एक करके पूरा बीच खाली हो गया, आप देख सकते हो। पहले सब लोग यहीं पे कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई फोटोग्राफी कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पेशली लोग सनसेट के लिए यहीं पे आते हैं। ओके, सनसेट अगर हो जाता है तो लोग चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो बीच है, अभी मैंने एक से बात की तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते। ये जो बीच है वो पूरा ऐसे डीप है, ओके, सीधा स्ट्रेट नहीं। जैसे आपको मैंने मोरजिम जो बीच आपने देखा वो कैसा है, स्ट्रेट है। आप जब अंदर जाते हो पानी में तो कितना डीप है वो आपको पता चलेगा, धीरे 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 वो मतलब भी डीप होगा। जब ये जो बीच है मेरे हिसाब से ऐसा पूरा ऐसे है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा आगे जाके पूरा डीप है ये। और दूसरा कि वेव्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, आप देख सकते हो वेव्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे में स्विमिंग करना ठीक नहीं होता है। तो लाइफ गार्ड हो रहा उधर है, तो लाइफ गार्ड वहाँ से सबको भगा रहा है, शायद आपको दिख रहा है, पता नहीं। तो गाइस, मेरे सामने जो आप होटल देख रहे हो वो है द क्रॉस रोड। मैंने वहाँ पे भी स्टे किया है, आज से 4 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने वहाँ पे स्टे किया था, और वो भी काफ़ी अच्छी होटल है। और ये जो मेरी होटल है द ग्रैंड रिवेरा, ये नई प्रॉपर्टी है। एक्चुअली द ग्रैंड रिवेरा, द क्रॉस रोड और इसके आगे एक और होटल है जिसका नाम है राही कोरल बीच रिसोर्ट। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टी एक ही ओनर की, ये तीनों होटल एक ही ओनर की है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो द ग्रैंड रिवेरा, जिस वक्त मैं जहाँ पे मैंने स्टे किया है आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। काफ़ी अच्छी होटल है, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको 2,000-2,500 में यहाँ पे रूम मिल जाएगा और विद ब्रेकफास्ट, तो अच्छा है। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज का ये छोटा सा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, स्पेशली वो जो सी फूड था, वो जो फिश थी, आज का खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो सी फूड था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो फिश का टेस्ट जो है वो तो अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है। तो आप भी जब भी गोवा आते हो तो वहाँ पे जाना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।